मैं हूं निवेदिता। सलमान खान की फिल्म भारत जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। हाल ही में खबरें आई थी कि भारत सलमान के करियर की सबसे बड़ी रिलीज बन सकती है। वहीं अभिनेत्री फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर भी खबर सामने आ गई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो फिल्म के क्रेज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म 30 से 35 करोड़ तक की ओपनिंग दे सकती है। वहीं ईद की छुट्टियों का भी इस फिल्म को फायदा मिलेगा। फिल्म के पास 5 दिनों का लंबा वीकेंड है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये फिल्म 3 दिनों में ही अपना बजट पार कर लेगी। बता दें कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स में भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारत से हर किसी को इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि इस फिल्म को अली अब्बास ने डायरेक्ट किया है, जो कि सलमान के साथ इससे पहले सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। बात करें भारत की तो इस फिल्म का ट्रेलर हर किसी को पसंद आया है, साथ ही फिल्म के गाने भी लोगों की जुबान पर सिर चढ़कर बोल रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। बता दें कि फिल्म में सलमान भी पहली बार कई लुक्स में नजर आएंगे, साथ ही फिल्म में उनके साथ कैटरीना कैफ भी रोमांस करती नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर, तब्बू और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स भी दिखाई देंगे। वेल, देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या सलमान की भारत पहले दिन 30 से 35 करोड़ तक की कमाई कर पाएगी या नहीं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।